होंडा एकॉर्ड हमारे पास काफ़ी डिटेल और माइनर मसलों के लिए आई हुई है, जो कि कहने में या सुनने में या देखने में तो बहुत माइनर लगता है, लेकिन कुछ पता नहीं होता कि वो माइनर मसला भी जो है वो कितना बड़ा हो सकता है। तो इंजन रूम जैसे नज़र आ रहा है काफ़ी जो है वो निगलेक्टेड है, काफ़ी डर्ट, काफ़ी चीज़ें हैं जो कि नहीं होना चाहिए, साफ़ होनी चाहिए ताकि आपके कंपोनेंट जो हैं वो बिल्कुल तरीके से काम करें। ये ग्रिप्स वगैरह हैं, इनमें डस्ट आ जाती है, कार्बन आ जाता है, 10 चीज़ें हो सकती हैं जिनकी वजह से आपके मसले जो हैं वो बढ़ सकते हैं। जैसे ये ग्रिप है जो है काफ़ी हद तक ऑयल में जो है ना लिपटी हुई नज़र आ रही है। अगर आप साफ़ रखते हैं इंजन रूम तो ये सब नहीं होता। अभी सबसे पहले स्टेप हम ये करेंगे कि इसको सबसे पहले तो वॉश करेंगे इसके इंजन बे को, क्योंकि पहला तरीका तो यही है खोलने से पहले कि गाड़ी जो है वो वॉश हो, ताकि फर्दर जब हम चीज़ें खोल रहे हों तो मसले नहीं हों, किसी पार्ट में कोई गंदगी, कोई मिट्टी, कोई डस्ट, कोई कीचड़, ऐसी चीज़ ना जो है वो इन्वॉल्व हो जाए जिसकी वजह से फर्दर मसले आए। इसको हमें डिटेल वॉश करेंगे और उसके बाद ड्राई होने पे जो है हम इसको खोलना शुरू करेंगे। एरर्स गाड़ी में ये हैं कि चेक इंजन लाइट है, मेजर इशू ये है कि गाड़ी ने जो है वो चेक इंजन शो कर दी है। अच्छा, इसको स्कैन करने पे ये मालूम हुआ है कि इसमें जो है वो मिक्सचर का फॉल्ट आ रहा है। इंजन जो हमें बता रहा है इस वक्त स्कैनर के थ्रू, तो वो ये बता रहा है कि इसमें मिक्सचर का फॉल्ट आ रहा है, यानी कि इंजन को फ्यूल और एयर का जो रेशो है मिक्सचर का वो सही नहीं मिल रहा है, वो डिस्टर्ब है, और जिसकी वजह से गाड़ी ज़्यादा मिसिंग करेगी, फ्यूल कंजम्पशन ज़्यादा हो जाएगी, काफ़ी सारे मसले हो सकते हैं उसकी वजह से। मैकेनिकल काम के अलावा और बॉडी वर्क के लिए भी गाड़ी है हमारे पास, और जिसमें जो है वो दोनों बम्पर रिपेयर है, ये फेंडर का स्क्रैच रिपेयर है, बम्पर्स इसके कोई इतनी अच्छी हेल्थ में नहीं है, ऑलरेडी काफ़ी पॉलीगेट लगा के पहले भी बनाया हुआ है, तो जिसकी वजह से होता ये है कि आप हल्की सी भी कहीं से हिट होगी दोबारा तो फ़ौरन से पॉलीगेट फट जाएगा, जैसे ये फट गया, यहाँ से फटता है सारा, सारे क्रैक्स जो हैं वो वाजे हो गए। कस्टमर जो है वो नया बम्पर नहीं डालना चाह रहा है, तो इसी को रिपेयर कराने का है, तो हम जो जो इंटैक्ट एरियाज हैं उनको जितना सेफ प्ले पॉसिबल होगा उतना टेयर ऑफ करेंगे, और उसके बाद वापस जो है वो यही काम होगा इससे जो ऑलरेडी हुआ है। होंडा एकॉर्ड का कैटलिक कन्वर्टर रिमूव हो चुका है, डिसमेंटल हो चुका है, इसकी जो है वो थोड़ी सर्विस करेंगे और फिर इसको केमिकल से वॉश करके वापस फिट करेंगे। होंडा एकॉर्ड भाई अपने पैकअप की तरह से मैकेनिकली चीज़ें फिट होना शुरू हो गई हैं इसमें, वापसी फिल्टर्स वगैरह इसके आ गए हैं, चीज़ें आ गई हैं, ऑयल वगैरह आ गए हैं, अब जैसे जैसे और पार्ट्स आते जाएंगे वैसे इसकी फिटिंग कम्प्लीट होती जाएगी, तो मैकेनिकली हम इंशाल्लाह अपने कामों से फारिग हो जाएंगे। उसके बाद इसके एरर्स चेक करेंगे फाइनली, तो कोई गाड़ी अभी भी एरर दे रही है अगर तो उसको फर्दर डायग्नोस करेंगे, वरना ये फिर मैकेनिकली जो है वो फिट टू गो होगी। होंडा एकॉर्ड मैकेनिकली यस हो चुकी है हमारी गाड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह तमाम एरर से दूर है, इस वक्त बिल्कुल एरर फ्री गाड़ी है, बेहतरीन रन कर रही है अल्हम्दुलिल्लाह, और बाकी इस पर जो है वो बम्पर रिपेयर का काम शुरू हो चुका है, बॉडी रिलेटेड जो काम था वो चीज़ें आपको दिख रही हैं शुरू हो चुकी हैं। कस्टमर की तरफ से जो है वो इसी बम्पर को ऐसे ही रिपेयर करने का कहा गया था, तो हम ऐसे ही इसको रिपेयर करेंगे। और ये आ गया हमारा रेयर बम्पर, इस पर हमने देखा था कि ऑलरेडी बहुत सारी पॉलीगेट थी, तो जिसकी वजह से और कोई हल नहीं था, वो हम जहाँ तक उसको निकाल सकते थे उसको निकाला है हमने, और वापस से फिलिंग करके और
और अब जो है वो कटना शुरू हो गई है। ये भाई फुट पैरी अभी हम करने आए हैं, तो ये पीस पॉलीगेट का यहाँ से निकला है और ये काफ़ी सॉलिड पीस है, मतलब तो ऑलरेडी गाड़ी पे अगर जो टचिंग वगैरह हुई हुई है तो वो काफ़ी थिक पॉलीगेट से हुई हुई है, तो हम देखेंगे इसको हम कितना ज़्यादा अच्छा ट्रीट कर सकते हैं, उतना बेहतर काम करेंगे। रिकॉर्ड भाई माशाल्लाह हमारी तैयार है, पेंट जॉब से मैकेनिकल वर्क से हर चीज़ से बिल्कुल रेडी है गाड़ी, और बस डिलीवरी के लिए इंतज़ार में।